की आवाज। इजरायली सेना आईडीएफ ने हमास के बड़े नेताओं का वीडियो जारी किया। दोहा के वीडियो में इस्माइल हानिया भी दिखा। गाजा से 1800 किलोमीटर दूर दोहा में बैठकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं हमास के नेता। हमास नेताओं की लाइफ लग्जरी, जबकि गाजा के लोग गरीबी में गुजार रहे हैं जीवन। ईरानी फंडिंग से गाजा में रॉकेट, हथियार और सुरंग बना रहा है हमास। मासूम इसराइलियों का कत्लेआम कर रहे हैं हमास के आतंकी। मिस्र और गाजा के बीच राफा सीमा पर पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतरेस, युद्ध पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर बातचीत। हमास ने देर रात दो अमेरिकी बंधकों को किया रिहा। कतर की मध्यस्थता के बाद हुई दोनों की रिहाई। हमास ने 59 साल की जुडिथ रैनन और उनकी 18 साल की बेटी नाटालिक को किया रिहा। इसराइल सेना को सौंपा। इसराइल हमास जंग का आज 15वां दिन। अब तक दोनों तरफ से करीब 5,600 लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक इसराइल हमले में करीब 4,137 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा घायल हुए। इसराइल ने तैयार किया नया वॉर प्लान। अब हमास के खिलाफ 3 चरणों में होगी जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने रक्षा समिति में किया प्लान का खुलासा। कहा, 2 फेज में होगा हमास का खात्मा, 3रे फेज में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक जमीनी हमला कर सबसे पहले हमास की सैनिक क्षमता को खत्म किया जाएगा, फिर सरकार चलाने की क्षमता खत्म की जाएगी। इसराइल का प्लान, जमीनी हमले से हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले तबाह किया जाएगा, फिर छोटे छोटे ऑपरेशन कर हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म किया जाएगा। इजरायली सेना के जमीनी हमले के लिए तैयार। गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों टैंक्स तैनात, सेना के वाहन पहुंचा रहे हैं हथियार। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक, तबाही का वीडियो किया जारी। इजरायली सेना का दावा, हमास के कई ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स हवाई हमले में तबाह, एंटी टैंक लॉन्चर्स और अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुए नष्ट। गाजा में हॉस्पिटल के बाद शुक्रवार को एक प्राचीन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हमला, हवाई हमले में चर्च को पहुंचा नुकसान। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हमले में 16 फिलिस्तीनी ईसाइयों की हुई मौत, धमाके में कई लोग घायल भी हुए। इजरायली सेना के मुताबिक चर्च के पास हमास के ठिकानों पर की गई थी बमबारी, धमाके में चर्च की एक दीवार गिर गई। दक्षिण गाजा के अल जाहरा में इजरायली एयर स्ट्राइक से भीषण तबाही, कई इमारतें मलबे में तब्दील हुई। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन जारी, जुमे की नमाज के बाद हजारों फिलिस्तीनियों ने जताया विरोध। झूठ पर